पहले जो प्रधानमंत्री जी ई बदला ढोरी छे यत्ता छे ओत्ता छे तो अयोध्या पर उनका आक्रमण तो बाद में हेते, उनका आक्रमण छे जनकपुर धाम पर, उनका आक्रमण छे मिथिला धाम पर, क्योंकि जय जगह के वो नाम कह रहे जी ढोरी तो नदी कौश की गंडकी गंगा गिरी हिम्बान शुद्ध देश मिथिलापुरी चारों वेद प्रमाण और तो मिथिला छे। आई कह अनुसंधान है तो बहुत विशेषज्ञ सब कल की फरमा फौला प्रमाण भेटले, लवकुश के प्रमाण भेटले, श्री राम जी के प्रमाण भेटले। बेवकूफ, यदि तोरा अयोध्या पता लगावे के तो कम से कम मिथिला के क्षेत्र तो छुटिया दे पहले। जखन कोसी गंडक गंगा, कोसी गंडक गंगा और हिमालय मिथिला में छे तो वो थोड़ी में अयोध्या तोरा बाप बना दे, कहा से बना दे, जमीन दुगो घर के बड़ा के बीच में झगड़ा होते तो पहले हमर नक्शा में जैसे क्षेत्र छुटिया दे की तो तोरा कह पड़ो जो मिथिला नहीं छे अयोध्या पर तो वो बाद में। अखन के अयोध्या नकली छे सकली छे, हम सब मान लेली सकली छे तो सकली छे, केकरो काला से नहीं हेते, लेकिन की हो तो ई कह रहल छे कि ई मिथिला नकली छे, वो तो ई कह रहल छे मिथिला के जो क्षेत्र छे वही पर आक्रमण भ रहल छे, वही पर आक्रमण भ रहल छे। कोई जे कह रहल छे नहीं हिंदुस्तान पर आक्रमण भ रहल छे, बिल्कुल गलत। ओकर ई मिथिला के क्षेत्र पहले छुटियाबक चाही, वो अल्प ज्ञानी कोनो पौरल छे उनका सा ये पूछल जाए पत्रकार महोदय सब समाग्रह करबे जखन उनका अंदर वार्ता आवे छे तो ई कह दू कि यहाँ अयोध्या के पता लगेली कि पहले मिथिला पता लगेली, अपना बाप के बाप नहीं कहे आ ससुर के जे डैडी कहे छी से नहीं करू। सबसे पहले हमें मिथिला छुटिया दिया, हमें मिथिला के क्षेत्र में आने कह सके छी। राम और किशोरी जी के संबंध में बहुत जगह यहाँ मिथिला में होते बहुत जगह आये छथिन कंचन और कहे छी वाल्मीकि आश्रम ओहि ठाम छै बेवकूफ, वाल्मीकि आश्रम बहुत जगह छै, वाल्मीकि जी अत्री जी गौतम जी सब सप्तऋषि आश्रम सतोखंड में तपस्या करे छथिन, देखी राम जी वही लेकिन मन की जत जत ओ सब गेलखिन। दोसर बात छोड़ दियो, हमर परम पूज्य महाराज श्री श्री 108 श्री राम दुलारी शरण जी महाराज अयोध्या में आश्रम बनेलखिन, यहो ठाम आश्रम बनेलखिन, तो हमर महाराज जी की अयोध्या के भागलखिन। अरे आश्रम तो भा सकैया साधु संत जहां गेली तो यह आश्रम है, ओहिठाम से फिर कमल दल के चल दिलिये। विश्वामित्र आश्रम छे, वाल्मीकि आश्रम छे, यही ठाम हेतै। बेवकूफियों के सीमा होइ छे, ई बेवकूफ सब ओहि बेवकूफी के सीमा के पार कर देने छे। एकरा कम से कम कहल जाइ छे एकरा सब के लिए और जे आई बात के अखन तो हमरा सबसे बेसी शर्म के बात तो ये बुझाइया, वो तो ओकर जे चलवा सब जे छे भगत सब ओली जी के से नारा लगू छे ओली जिंदाबाद ओली सरकार कायम रहे, बताओ ये कोनो बात है, है? शर्म के बात ओत्ता छे कि अपना माय के यहाँ नहीं चिन्ह छे, जै धरती पर आ जन्म लेल छी मिथिला में आ जनकपुर धाम में वही पर आक्रमण भ रहल छै त अहाँ वो बात माने के लेल तैयार नहीं छी और केपी ओली के गुणगान करे छी, यही से नमहर पतित होना किछ नहीं भ सकैया। और ओहन व्यक्ति के लेल कहल जाय छै भविष्य के दरवाजा तो नहीं खुलत, एहन समय में जे केपी ओली के गुलामी करब तकर भविष्य के दरवाजा तो नहीं खुलत, वर्तमान आदर और सम्मान अहां के नहीं करत, आदर और सम्मान नहीं करत। और रह गए संख्या के बुझाई होते कम और बेसी, कहल जाय छै बाबा जी जो है बड़ा देर से जगे छे, शास्त्र पुराण तो रखने करे छे, लेकिन शास्त्र में शास्त्र लिखाए छे वही में से अगिलका डंडा निकाल के जखन झंडा बनावे छे तो शस्त्र बन जाए छे, वही शास्त्र में के अगिलका डंडा के लास्ट में बारे छे वो निकाल जखन ले छे ठंडा बने छे तो शस्त्र बन जाए छे। पैसा ऐ सरकार के टेराई के चाहिए। रह गेले अयोध्या और मिथिला, हमरा सबके लेल अलग भइए ने, हमरा सबके लेल तो हम सब पूजा करे छे अयोध्या और मिथिला के, गिरा रथ जल बीच समाप्त है तो भिन्न भिन्न हमरा सब के अयोध्या और मिथिला ओहने है जिना पानी के अहा अलग नहीं कर सके छी, पानी में यदि लाठी लगे मारबे तो अलग नहीं हेतै, तहिना केकरो दादा के काला से केकरो बाप के काला से अयोध्या और मिथिला अलग नहीं होते, क्योंकि ई नेपाल और भारत जहिया नहीं रहे तहिए अवध और मिथिला राय ई रहबे का करके यहाँ के जते बाप अब चिचिया के चिचिया लिया। और
पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोड़ो, पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोड़ो। अभी आके चाइना सहयोग करे थे, पाकिस्तान सहयोग करे थे, तो बुझा थे हम कलिप पहलवान भगे। पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोड़ो, ये संबंधों की तुरपाई है, ये मिथिला और अवध ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो, षड्यंत्र मत करो, ये किसी का षड्यंत्र चलने वाला नहीं है। अवध और मिथिला का संबंध जो है वो कायम रहेगा। और उन बुद्धिजीवियों से, वो बुद्धिजीवी सबसे कहा चाहे छे कि बंधु अहा जे कहे छे बहुत ही हम अनुसंधान कैली, हम बहुत इतने बड़ी हमारा लाई गेल, इतने बड़ी लाई गेल तो अहा ठीक कैली, पहले मिथिला के विषय में नहीं सोचली। ताहि दुआरे हम फिर से विनम्र अनुरोध करबे हमारा सबक सम्माननीय प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली जी से, अहा अपन अभिव्यक्ति फिरता ल लिया, अहा क्षमा मंगित अपन अभिव्यक्ति फिरता ल लिया। धन्यवाद। जय नेपाल, जय मधेश, जय मिथिला, जय सियाराम, जय जय सीताराम।